हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार यामा MT-15 लॉन्च हो चुकी है। इस बाइक की प्राइस भी आ चुकी है, बाइक में क्या क्या फीचर्स दिए गए सब कुछ रिवील हो चुका है और अब आपको फाइनली बाइक मिल गई है और आप ले सकते हो उसको। और बाइक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स है और आपको बाइक लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए, आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हो कि यार बाइक मतलब मेरा जो बजट है वो 1.5 लाख का है और मेरे को ये बाइक लेनी है फिर लेऊं या फिर ना लेऊं, मतलब इस बाइक को लेकर कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी लोगों के मन में। तो उसको भी मैं आज थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बार बार कमेंट ना करो, आप परेशान ना हो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं यार, हेलो दोस्तों, मैं आशिका वीर जी आदि और अपने सभी भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ आज एक और नई वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यामा MT-15 BR6 के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन का टॉप स्विच मिलता है। जब भी आपकी बाइक का स्टैंड लगा रहेगा आपकी बाइक का इंजन स्टार्ट नहीं होगा, जब आप साइड स्टैंड को हटा दोगे तो ही बाइक का इंजन स्टार्ट होगा, वरना इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसके साथ ही सेकेंड फीचर की बात करें तो इसमें आपको USB चार्जर देखने को मिलता है। अगर आप की इच्छा है तो आप ले सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत लो, ये ऑप्शनल है। USB चार्जर आपकी इच्छा है तो लो, वरना मत लो। इसके बाद ये थर्ड फीचर की बात करते हैं, इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 150cc की एक अच्छी प्रीमियम बाइक है और इसमें आपको स्लिपर क्लच भी दिया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट फीचर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि दिन के टाइम में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको देता है। धूप के टाइम में भी आप बाइक का मीटर काफ़ी अच्छे और क्लियर तरीके से देख सकते हो, जो भी डिजिट है सारे डिजिट एकदम क्लियर आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही इस मीटर के अंदर आपको गियर इंडिकेटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है। अब इसकी एक नई चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इसकी नई कलर स्कीम है। इसमें आपको बिल्कुल ही नई वाइट कलर स्कीम दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है इस बाइक के ऊपर देखने में। और इस बाइक का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है जो कि आप सबको पसंद है, वो है इसकी LED हेडलाइट, LED DRL और LED टेल लाइट। जो इसकी LED हेडलाइट है वो तो काफ़ी यूनिक है, एक हर एक बाइक से मतलब हर बाइक से सबसे एक यूनिक अलग कॉन्सेप्ट इसको मिलता है लाइट के अंदर। और ये लाइट पर्सनली मुझे भी यार काफ़ी पसंद है, जो इसकी हेडलाइट है वो मतलब दिल चुरा ले कही जो भी समझो आप यार। उसके अंदर आप LED टेल लाइट भी मिलती है। और इस बाइक की अगर लुकिंग की बात करें तो लुकिंग में ये बाइक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार बाइक की लुकिंग थोड़ी ओड लगती है फिर अच्छी नहीं लगती है, मतलब लुकिंग काफ़ी क्लासी और स्टाइलिश है बाइक की। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि इसमें आपको यामा की VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, वेरिएबल वाल एक्वेशन, जो कि हाई RPM पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और ये टेक्नोलॉजी इस बाइक के साथ यामा R5 V3 में भी आपको मिलती है, जिससे कि इन दोनों ही बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही इस बाइक में आपको रियर में एक 140mm का वाइटर मिलता है और फ्रंट में आपको 100mm का वाइटर मिलता है जो कि 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ आते हैं। अब इसके इंजन की बात करते हैं, इसमें आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड BR6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है जो कि 6-स्पीड गेयरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है। और इस इंजन की अगर पावर फिगर की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा, इसमें लगभग आपको 18.6 BHP की पावर उसके साथ ही 14.2 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पावर फिगर में 0.1 या 0.2 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट आपको यही मिलने वाली है BR6 में, आपको बता देता हूँ ऑलरेडी। इसके साथ इसकी प्राइस की बता देता हूँ आपको कि किस प्राइस टैग पे बाइक को लॉन्च किया गया है। इसकी जो प्राइस है वो लगभग 1,40,000 है, मतलब 1,40,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली है BR6 यामा MT-15 की प्राइस। ये पहले से लगभग 4,000 रुपये मतलब 4,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, और इतने प्राइस तो बढ़ने ही थे यार, क्या कर सकते हैं। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि यार इस बाइक को लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगी लगती है। सेकंड क्वेश्चन आपका होता है कि यार यामा MT-15 ले या फिर ड्यूक 125 ले। और थर्ड क्वेश्चन आपका होता है कि यार यामा MT-15 ले या फिर यामा R5 V3 ले। तो इन तीनों चीज़ों का मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में, ताकि आप बार बार कमेंट करके परेशान ना हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं यार, देखो यामा MT-15 है उसकी प्राइस बिल्कुल ओके है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और ना ज़्यादा सस्ती है, बिल्कुल ओके प्राइस है। अगर आप किसी और बाइक को देखते हो जो कि 150cc के इंजन के साथ लिक्विड कूल्ड और 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आती है, तो उसकी प्राइस लगभग इसी के आसपास मिलेगी, 2,000-5,000 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो प्राइस बिल्कुल ओके है। अगर आप किसी और बाइक को कंपेयर करते हो तो यार ये चीज़ ध्यान में रखो, उसके अंदर भी 6-स्पीड गेयरबॉक्स और लिक्विड कूल्ड इंजन होना चाहिए, मतलब इस चीज़ से बाइक की कैटेगरी डिसाइड की जाती है। अभी देखो 150cc में एयर कूल्ड बाइक भी आती है, जैसे कि पल्सर 150, अपाची 160, तो यार देखो वो अलग चीज़ हो गई, क्योंकि उनका सेगमेंट अलग है, इंजन अलग है। तो देखो मैं सिंपल से वर्ड में आपको कहना चाहता हूँ कि यार इस बाइक की प्राइस, इस बाइक की फीचर्स के हिसाब से, इस बाइक के इंजन के हिसाब से
बेस्ट प्राइस है, ओके प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, महंगी प्राइस नहीं है, दिमाग से निकाल दो यार ये चीज़। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यार इस बाइक को ले या फिर ड्यूक 125 को ले, यामा MT-15 और ड्यूक 125। देखो दोनों बाइक में से मैं आपको सिंपल से वर्डों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप KTM के अंधे फैन हो, अंधाधुंध फैन हो, अंधे हो, कुछ नहीं दिखता आपको, KTM दिखती है, तो आप ड्यूक 125 ले सकते हो। मैं KTM की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ड्यूक 125 मुझे प्राइस के हिसाब से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसके अंदर आपको पावर काफ़ी कम मिलती है MT-15 के मुकाबले। और देखो अगर आप इतने प्राइस दे रहे हो, मतलब 1.5 लाख के आसपास बाइक की एक्सोरूम प्राइस है, मतलब 1,40,000 जो भी है, इतने प्राइस दे रहे हो और पावर आपको इतनी कम मिल रही है यार, क्या फ़ायदा फिर लेके? थोड़ी सी पावर आपको अच्छी मिल जाएगी, यामा MT-15 ले लो। और ऐसा भी नहीं कि MT-15 की लुक अच्छी नहीं लगती ड्यूक 125 से, देखो लुक दोनों बाइक की काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छी लुक है दोनों बाइक की। हाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो MT-15 में थोड़े से प्लस पॉइंट ज़्यादा है, इंजन की पावर ज़्यादा है, इंजन वो बाइक में आपको LED हेडलाइट मिलती है, LED टेल लाइट मिलती है, LED DRL मिलती है। ड्यूक 125 में आपको हैलोजन लाइट मिलती है, उसके साथ ही इंजन छोटा मिलता है, पावर काफ़ी कम मिलती है, कुछ मिलता है तो पता है एक चीज़ मिलती है, वो है KTM का नाम, उसके साथ ही अपसाइड डाउन फॉक्स फ्रंट में, बाकी एक दो चीज़ें हैं जो आपको उसमें थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी मेरे हिसाब से तो यार MT-15 लेना एक बेटर चॉइस होगा, बेस्ट चॉइस है इस प्राइस के हिसाब से। हाँ KTM के बारे में आपको थोड़ा सा और बोल दूँ, क्योंकि कुछ लोग यार कमेंट करके बोलने वाले कि KTM पसंद नहीं है मुझे, भाई KTM पसंद है मुझे। अगर आप KTM ड्यूक 390 लेते हो, KTM RC 390 लेते हो, वो जो बाइक है वो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगती है मुझे इस प्राइस, मतलब उनकी जो प्राइस है उन प्राइस में, मतलब उस प्राइस में और किसी बाइक में इतनी पावर फिगर नहीं है, मतलब इतनी पावर नहीं है, इतने फीचर्स नहीं है। फीचर्स अभी RR 310 में आ गए, लेकिन प्राइस वो बाइक परफेक्ट है, सिंपल से वर्डों में आपको कह दूँ। ड्यूक 200 भी आप लेते हो, परफेक्ट बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूक 125 मुझे पसंद नहीं है, सिंपल शॉर्टों में आपको ये कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं कि यामा RM5 V3 लेना चाहिए या फिर यामा MT-15 लेना चाहिए। तो यार देखो RM5 V3 और MT-15 दोनों ही बाइक के इंजन बिल्कुल सेम है, फ़र्क है तो क्या है, सिटिंग पोजीशन और फेयरिंग, ये दो ही सबसे बड़े फ़र्क हैं इन दोनों बाइक के अंदर। अगर आपको कंफर्टेबल बैठना पसंद है, कंफर्टेबल राइड पसंद है, तो आपको MT-15 लेनी चाहिए। और आपको कंफर्टेबल ना हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत कंफर्टेबल होगी चल जाएगी, आपको लुकिंग काफ़ी तगड़ी चाहिए, लुकिंग मतलब फेयरिंग बाइक होनी चाहिए, फुल फेड बाइक होनी चाहिए, तो आप या R5 V3 लो। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप गलियों में राइड करना पसंद करते हो ज़्यादा, या फिर ट्रैफिक में ज़्यादा राइड करते हो, गलियों में ज़्यादा राइड करते हो, तो MT-15 बेस्ट रहेगी। अगर आप हाईवे पे चलते हो, हाईवे पे ज़्यादा राइड करते हो, तो R5 V3 बेस्ट रहेगी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इन बाइकों में थोड़ा सा डिफरेंस लाती है, बाकी इंजन के हिसाब से दोनों बाइक सेम है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। और लास्ट में मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि यार देखो ठीक है, सब ठीक है, बाइक आपको जो लेनी पसंद है वगैरह वगैरह सब ठीक है। अगर आपको भाई भी अपना पसंद आता है, भाई भी अच्छा लगता है, आपके बाइक की वीडियो आपको पसंद आती है, तो यार चैनल के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है वीडियो के नीचे, उसको दबा देना चाहिए आपको, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो आपको कर देना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, थैंक यू, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।